गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते पूरे स्कूल जो है राज्य भर के जितने भी सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल जो है वो बंद है। इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं अजीत कुमार, जो कि आपका सब्जेक्ट का टीचर हूँ SST का, आज मैं आपका पहला चैप्टर हिस्ट्री का शुरू करने वाला हूँ। हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कैसे, कब और कहाँ। इसके अंदर आपको इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा है। देखिए यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या दे रहा है। थोड़ा ये पेज थोड़ा सा दिखेगा उतना अच्छा इसका आया नहीं है, फिर भी दिख रहा है आपको। चलिए देखिए इसमें क्या दे रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, यहाँ पे आपको जो डेट्स है उसके महत्व के बारे में बताएगा। पीरियड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के अलग अलग कालों के बारे में बताएगा। डिफरेंट व्यू ऑफ हिस्टोरियंस, अलग अलग इतिहासकारों के क्या विचार थे, विभिन्न विचारों के बारे में इसमें उल्लेख करेगा। अपने बेसिक काल के बारे में आपको बताएगा और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलोनियल पीरियड्स और अपने बेसिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों के बारे में बताएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स दे रहा है। चलिए, बॉबी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज यूनिट टेस्ट फॉर हिस्ट्री। ही हैज़ अंडरस्टूड द टॉपिक्स बट इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम टू रिमेंबर डिफरेंट डेट्स। ही हैज़ मेड अ चार्ट शोइंग डेट्स एंड इवेंट्स एंड हैज़ पेस्टेड डैट चार्ट नियर हिज स्टडी टेबल्स। बट इट इज़ ऑफ नो हेल्प, नो मैटर हाउ हार्ड बॉबी ट्राई, ही इज़ अनेबल टू रिमेंबर डेट्स। Sometime he get fed up of history because of so many dates. यहाँ पे एक लड़का है बॉबी, जिसके बारे में जिक्र कर रहा है, जिसके स्कूल के अंदर हिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो हिस्ट्री के टेस्ट के लिए वो जो अपना टेस्ट की तैयारी करने के लिए लगा हुआ है, वो हिस्ट्री के जो टॉपिक्स है उसमें समझने में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मगर सबसे बड़ी समस्या उसके सामने है कि उसको इस टॉपिक के अंदर जो अलग अलग डेट्स दी हैं उसको याद करना पड़ रहा है, और ये इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए उसने अपने स्टडी जो रूम है, स्टडी टेबल जो है उसके पास ही उसने एक चार्ट तैयार करके उसमें अलग अलग घटना जो इवेंट्स थे और जो अलग अलग डेट्स थे उसको लिखकर उसने चिपका दिया था, परंतु इससे भी उसकी कोई ज़्यादा मदद नहीं हो पाई। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो इम्पॉर्ट हिस्ट्री के अंदर जो इतने सारे डेट्स होते हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं वो हिस्ट्री से डरे रहते हैं, या उनको हिस्ट्री जो होता है वो बोर लगता है। चलिए, मेनी ऑफ यू मे हैव फेस सिमिलर सिचुएशन वाइल स्टडिंग हिस्ट्री। हम लोग में से बहुत से ऐसे लोग हैं जब वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेट अस ट्राई टू आंसर सम क्वेश्चंस। Why do we need to remember dates? Or what is the importance of date in history? चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, देने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, Why do we need to remember date? हमें दिन जो है, डेट्स जो है, वो क्यों याद रखने की ज़रूरत है? और दूसरा, What is the importance of date in history? और इतिहास में डेट के का क्या महत्व है? चलिए, Let us start विथ आंसरिंग द लास्ट क्वेश्चन। जो आपका लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बता रहा है। कैन यू रिकॉल द ईयर ऑफ योर बर्थ? यू वुड इनविटेबली से येस। योर बर्थडे इज सो क्लोज टू योर हार्ट एंड माइंड दैट यू नेवर फॉरगेट द डेट एंड ईयर ऑफ योर बर्थ। जब भी आपसे कोई पूछे कि आपका जन्मदिन कब है, तो आप तुरंत उस चीज़ को अगर आपसे कोई पूछे कि आपका किस साल में आपका जन्म हुआ है, तो तुरंत आप उसको हाँ में जवाब देंगे, क्योंकि बर्थडे जो होता है, आपका जन्मदिन जो होता है, वो आपके हार्ट्स और दिमाग के काफ़ी नज़दीक होता है, काफ़ी क्लोज होता है, और अब उसको आप कभी भूल नहीं सकते हैं कि आपका किस साल में और किस महीने और किस तारीख को आपका जन्म हुआ है। सिमिलरली, ऑल ऑफ यू हैव मस्ट बी अवेयर अबाउट द ईयर इन विच इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस। ठीक इसी तरह से हम सारे लोगों को मालूम है कि हमारा देश जो है वो कब आज़ाद हुआ था। चलिए, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947। बोला, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर ऑल इंडियंस एंड दैट इज़ वाई वी रिमेंबर द डेट एंड ईयर्स।
ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे लिए हमारा देश जो था आज़ाद हुआ, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिस समय हमारा देश जो था वो आज़ाद हुआ था। इसलिए हम लोग अपने देश जब आज़ाद हुआ था उसके डेट और उसके साल दोनों को याद रखते हैं। यू कैन फॉलो सम टिप्स टू मेमोराइज इम्पॉर्टेंट डेट इन हिस्ट्री। इसमें कुछ आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है हिस्ट्री के वो याद कर सकें। ऑलवेज कॉलोरेट्स डिफरेंट्स इवेंट विथ ईच अदर। हमेशा क्या किया जाता है कि अलग अलग जो घटनाएं होती हैं उसको एक साथ जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू रिमेंबर हाउ मेनी ईयर बिफोर यू वर बॉर्न डिड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपका जन्म आज़ादी से कितने साल पहले हुआ था। चलिए, डांडी मार्च 13 आपका, डांडी मार्च 12 मार्च 1930 टू 6 अप्रैल 1930। यानी डांडी मार्च जो था वो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 के बीच में हुआ था। ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अनदर एग्जाम्पल कैन बी हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया गांधी जी स्टार्टेड द डांडी मार्च। दूसरा एक और एग्जाम्पल आपको दे रहा है डेट्स याद करने के लिए कि आज़ादी से कितने साल पहले गांधी जी ने डांडी मार्च जो था वो शुरू किया था। वंस यू आर एबल टू ऑर्गेनाइज वेरियस इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल्स ऑर्डर इट वुड बी क्वाइट इजी टू रिमेंबर डेट। एक बार आप इसको अगर सजा लें, ठीक है, इन अलग अलग घटनाओं को आप एक साथ रखें और इस तरह से कि जैसे हम लोग आज़ादी, क्योंकि आपको भी मालूम है कि हमारा देश कब आज़ाद होता, और इस डेट्स के अनुसार आप कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को एक जगह लिख कर और उसके डेट्स जो है वो आपको आसानी से याद हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ डेट। योर ईयर्स ऑफ बर्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर यू एंड फॉर योर पेरेंट्स। सिमिलरली, मेनी डेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तुम्हारा जन्म जो था, तुम्हारा जिस साल तुम्हारा जन्म हुआ था वो तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा उस समय, तुम्हारा उस दिन या उस साल तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारे परिवार के लिए, ठीक है, हम लोग के परिवार के लिए या हमारे लिए, हमारा जन्मदिन जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण घटना होती है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। मेनी डेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसी तरह से बहुत से डेट जो होते हैं वो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रिसाइज डेट्स एंड रिवलेंस ओनली फॉर सम की इवेंट्स सच एज द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947, द ईयर वैन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। वंस वी गो टू मोर डिस्टेंस पॉइंट, हिस्टोरियन एक्सप्लेन डिफरेंट इवन इन टर्म्स ऑफ पीरियड्स। जैसे हमारा देश जो था वो कब आज़ाद हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि 1947, ठीक उसी तरह से गांधी जी जो थे वो भारत कब वापस आए थे, तो 1950। तो इतिहास के अंदर कुछ ऐसी घटना, महत्वपूर्ण घटना होती है जिनका डेट जो होता है वो काफ़ी महत्व होता है। वंस वी गो टू मोर डिस्टेंस पार्ट पास्ट, अगर आप और पीछे की ओर जाएंगे तो हमारे इतिहासकार जो थे उन्होंने अलग अलग घटनाएं, एक्सप्लेन डिफरेंट इवेंट, अलग अलग घटनाओं की व्याख्या जो थी वो इतिहास के अलग अलग कालों के अंदर किया है। चलिए, तो डिफरेंट पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के अलग अलग काल, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू थ्री पीरियड्स। भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया, तीन पीरियड्स में रखा गया है। पहला एंशियंट इंडिया, दूसरा मेडिवल इंडिया और तीसरा मॉडर्न इंडिया। चलिए, यूज़ ऑफ आर्चिव। आर्चिव मतलब लेखागार होता है, ठीक है। बोला कि एन आर्चिव इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर हिस्टोरिकली वैल्यूएबल रिकॉर्ड्स रैंकिंग्स फ्रॉम पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट टू फोटोग्राफ फिल्म वीडियो टेप्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग आर प्रिजर्व। आर्चिव एक ऐसी संस्था थी, इंस्टीट्यूशन थी, जहाँ पे ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स थे, मूल्यवान रिकॉर्ड्स जो थे, या पेपर्स जो थे, डॉक्यूमेंट्स जो थे, फोटोग्राफ्स जो थे, फिल्म वीडियो टेप्स साउंड रिकॉर्डिंग, इन सारे चीज़ों को सुरक्षित रखा गया। ये एक संस्था होती है, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर 1857 हैड सेट अप द नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट दैट टुक प्लेस इन इंडिया। बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने 1857 के क्रांति के बाद उन्होंने एक नेशनल आर्चिव जो था न्यू दिल्ली में
ठीक है, उसको स्थापित किया था। क्यों स्थापित किया था? तो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा आपका, डिड इंडिया हैव अचीव इन प्री कॉलोनियल रूल्स, क्या भारत के अंदर जो था वो व्यू औपनिवेशीकरण के पहले भी क्या इस तरह के आर्चीव बनाए गए थे, किस इस तरह के संस्था थे जहाँ पे कुछ मूल्यवान रिकॉर्ड्स जो थे वो रखे गए थे, उसके बारे में आपको बताएगा। तो बोला ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स द हिंदू किंग्स डिड नॉट हैव द आर्ट ऑफ कीपिंग रिटन रिकॉर्ड्स, दे गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब एंड केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स। बोला कि प्राचीन काल में, प्राचीन समय में हिंदू राजा जो थे उनको इस तरह के लिखित रिकॉर्ड्स को रखने की कला जो थी वो नहीं मालूम थी। दे गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब एंड केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स, दे गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब एंड केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स। वो युद्ध में उनके जो विजय, जो जीत होती थी उससे संबंधित रिकॉर्ड्स को ही वो लोग केवल रखते थे अपने पास। रिटन राइटिंग वॉज डिफिकल्ट, राइटिंग वॉज डिफिकल्ट एज देयर वॉज नो पेपर एट दैट टाइम्स, लिखना बहुत ही कठिन था क्योंकि उस समय पेपर नहीं था। फ्यू रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट हैव बीन डिस्कवर्ड रिटन ऑन ताम्रपत्र कॉपर, उसमें से कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते थे जो इवेंट्स जो जो घटनाएं होती थी उनके रिकॉर्ड्स जो होते थे उनको ताम्रपत्र पर लिखा जाता था जिसे कॉपर प्लेट कहा जाता है। द ट्रेवलर्स सच एज अ चाइनीज ट्रेवलर्स वेंग सेंग्स एंड फाइन एंड मैनिटिन ट्रेवलर मार्को पोलो हु ट्रेवल्स थ्रू इंडिया केप्ट एन अकाउंट ऑफ एवरीथिंग दे सॉ, इनमें से कुछ चाइनीज यात्री जो थे जैसे वेंग सेंग्स, फाइन्स, मैनिटियंस ट्रेवलर्स जो थे जिसमें मार्को पोलो फेमस प्रसिद्ध था, जब वो लोग भारत आए थे तो उन्होंने भारत में जो चीज़ भी देखा था उसका उन्होंने एक रिटर्न, एक लिखित रिकॉर्ड जो था अपने पास रखा था। फ्रॉम देयर अकाउंट्स वी गॉट एन आइडिया ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके अकाउंट्स के यानी उनके द्वारा रखे गए डॉक्यूमेंट्स जो थे उन डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम लोग उस समय के प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में पता कर सकते हैं। अशोका द ग्रेट केप्ट रिकॉर्ड फॉर पब्लिक व्यू ऑन सम पिलर्स विच आर स्टिल इंटैक्ट एंड कैन बी सीन इन दिल्ली एंड अदर प्लेसेस इन इंडिया। अशोक महान, अशोक द ग्रेट, अशोक के बारे में क्लासिक्स में भी आप अशोक के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो अशोक जो था वो आम लोगों के लिए रिकॉर्ड जो था उसको वो स्टोन पिलर, जो पत्थर के जो पिलर्स होते थे उस पर वो लिखवा देता था, ठीक है। और इस तरह के स्टोन पिलर जो है आपको दिल्ली या दिल्ली के और भी, भारत के और भी दूसरे भागों में जगह पर आपको इस तरह के स्टोन पिलर जो होंगे जो दिखाई देंगे जिसके ऊपर अशोका के द्वारा रिकॉर्ड जो थे वो छापे जाते थे। रिकॉर्ड्स जो मतलब वो अपने कार्य प्रणाली के बारे में, अपने सत्ता के बारे में, अपने विजय गाथा के बारे में, इसके बारे में जिक्र किया जाता था। बाबर द फर्स्ट मुगल किंग यूज टू रिकॉर्ड द डिटेल इन द तुजाक आई बाबरी, बाबरनामा। बाबर जो था, जो कि फर्स्ट मुगल किंग माना जाता है, उसने रिकॉर्ड जो था उसको इस्तेमाल किस चीज़ में, तो यूज टू रिकॉर्ड द डिटेल इन द तुजाक आई बाबरी, बाबरनामा। अगर आप मुगल्स बादशाह बाबर के बारे में अगर रिकॉर्ड जानना चाहते हैं तो उन्होंने इस रिकॉर्ड्स को बाबरनामा के अंदर दर्ज कराया है जिसके माध्यम से आप बाबर के एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को आप समझ सकते थे। अबुल फजल रिकॉर्डेड अकबर पॉलिसी इन अकबरनामा, इसके अलावा अबुल फजल जो था उसने अकबर की नीतियों को अकबरनामा के अंदर दर्ज किया है, लिखा है। हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इवेंट विच कुड बी सीन बाई एनी सिटीजन आफ्टर दे हैव बीन डिसक्लासीफाइड, only for certain period were the archive records open for public viewings। यहाँ भी बता रहा है आपका लास्ट लाइन जो आपका दे रहा है, यहाँ पर लास्ट लाइन जो आपका जो दे रहा है इसमें बता रहा है कि ब्रिटिश सरकार जो थे वो जो रिकॉर्ड्स रखते थे ऑफ ऑल इवेंट्स विच कुड बी सीन बाई एनी सिटीजन आफ्टर दे हैव बीन डिसक्लासीफाइड, यानी आम लोगों के लिए जो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे उस रिकॉर्ड्स को एक बार
अंग्रेजी सरकार जो थे वो क्लासिफाइड करते थे, यानी छांट लेते थे, यानी वही रिकॉर्ड्स आम लोगों के लिए दिखाया जाता था, दिया जाता था, ठीक है, जो अंग्रेजों के द्वारा पहले से ही तैयार किए जाते थे, उसी रिकॉर्ड्स को आम लोगों के पास रखा जाता था। तो आज इतना ही रहने दीजिए, कल के क्लास में मैं उसके आगे आपको पढ़ाऊंगा। मेरे को आशा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को समझे होंगे। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप वहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू।